अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नौशीस किचन। आज आपके साथ मैं एक बहुत ही स्पाइसी और क्रिस्पी सी एपेटाइजर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, आज हम चिकन फ्रिटर्स बनाएंगे। आप ये किसी भी ओकेजन पे सर्व कर सकते हैं। आज ईद का थर्ड डे है और आप ये चिकन पकौड़े बनाइए और चाय के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही आसान और 15 मिनट्स में बनने वाली रेसिपी है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। एक कप बेसन लेंगे हम, जिसे हम अच्छी तरह से छान के डालेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून हम चॉप्ड अनियन लेंगे, सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, क्रश्ड रेड चिलीज 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा हम 1/4 टीस्पून लेंगे। बेकिंग सोडा हमने लेना है 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून और अब हमने इसमें 1/2 कप वाटर ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि आपने एक अच्छा सा थिक सा बैटर बनाना है और ज़्यादा पतला ना हो जाए। अच्छी, इसमें हमने पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि हमने एक थिक सा बैटर बनाना है और इसके अंदर चिकन पीसेस जब हम डिप करेंगे तो इस पर एक थिक सी कोटिंग होनी चाहिए। इसमें हमने प्याज का इस्तेमाल भी किया है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और ताकि फिर हम इसको इजीली हैंडल कर सकें। ये देखें, इस तरह से हमने काफ़ी सा थिक बेसन का बैटर बनाया है। बैटर तैयार हो चुका है, अब आते हैं हम चिकन की तरफ। चिकन बोनलेस मैं लूँगी 250 ग्राम्स और इस तरह से थोड़े से बड़े पीसेस बना लीजिए इसके और अच्छी तरह से इसको कोट करके और हम गर्म तेल में डालेंगे डीप फ्राई करने के लिए। ऑयल हमेशा गर्म रखें और जब थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन हो जाए इसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए ताकि चिकन अंदर से 4 या 5 मिनट्स में अच्छे से गल जाए। इस तरह से सारे पीसेज हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से बाहर से गोल्डन ब्राउन होने तक और 4 से 5 मिनट लगेंगे चिकन अंदर से अच्छी तरह से गल जाएगी। ये बेहतरीन एपेटाइज़र है, आप ये खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के साथ आप रखें इसको टेबल पे और आप देखें सब कितना इन्जॉय करेंगे इसे। और क्विक रेसिपी भी है, आपने जल्दी से बैटर बनाया, चिकन कोट की और जल्दी से फ्राई किया। आई थिंक 10 मिनट्स में ये पूरी रेसिपी मेरी बन गई। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप उसकी साइड चेंज कर लीजिए और दूसरी साइड को भी 2 या 3 मिनट तक पकाइए और अच्छी तरह से जब क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएं तो आप इसको डिश आउट कर दें। इसको आप टिश्यू पेपर पर निकाल दीजिए ताकि अच्छे से ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए इसका। अब मैं आपको ये अंदर से दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और जूसी चिकन बनी है और बाहर से कोटिंग क्रिस्पी है इसकी। उम्मीद है आज आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।